हेलो गाइस, अभी हम थक चुके हैं डांस करते करते। वो हम लोग पी रहे हैं कॉफी बैठ के, तो उधर अभी जयमाला का प्रोग्राम तो हो ही चुका था और आशीर्वाद देना है। अभी आशीर्वाद लेके मतलब दूल्हा दुल्हन उठ चुके हैं, जा रहे हैं अपने रूम में, क्योंकि बाद में खाना खाने की तैयारियां की जाएंगी। इनके साथ हम लोग भी खाएंगे। मैंने तो सच बताऊं तो खाया भी नहीं था क्योंकि पार्लर पे चले गए थे। तो अभी यहाँ हम सब खाना खाने बैठ चुके हैं। दूल्हा और दुल्हन को देखिए, उनकी अलग ही गुपचुप चल बातें चल रही हैं अपनी अपनी। तो यहाँ पे हैं मेरे जीजू दी और मेरी दी की ननन जी हैं। ये जो हैं स्टॉल में रेड कलर के बैठी हैं, और उधर जो बैठे हैं वो नंदोई हैं दी के, और हम तो ये हैं ही। और तो वो लड़की वालों की फैमिली, लड़के वालों की फैमिली की तरफ से ही है। मम्मी पापा उधर फेरों की तैयारियाँ मतलब करवा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि सामान चाहिए था तो वो वहाँ पे थे। इधर देखो भाभी और ये शिबी सब यहाँ पे बैठे हैं। मैं आई थी लेट में, तो इन लोगों ने आधा खाना खा चुके थे। फिर मैं कि यार मैं भी खा लूँ, भूखी तो थी ही, काफ़ी रात हो गई थी तो सब गंदा हो चुका था ये पूरा। अब सब कुछ छूट गया है मतलब खाने का हर चीज़। और यहाँ पे हम लोग सब खाना खा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये हैं हमारे मौसा जी और मौसी जी, और हमारी दीदी ठूस ठूस के खाना खा रही हैं। और ये इधर सारी तैयारियां फेरों की हो चुकी है। फेरों में कोई नहीं था, बस हम लोग खांसी खांसते। वैसे फेरों में तो खांसी लोग बच जाते हैं, लड़की की फैमिली है लड़के की फैमिली, बाकी तो जितने भी गेस्ट आए हुए होते हैं तो वो सो ही जाते हैं। तो सब लोग अंदर सोए हुए हैं। अभी सिस्टर हमारी बैठ चुकी है फेरों के लिए, तो सेजल ने जूते भी चुराए लिए हैं। तो सब लोग बैठे हुए हैं फिर मैं तो वैसे कुछ नहीं करूँगी, और अंदर भी सब सोए रहे हैं। यहाँ हमारा शुभ कार्य हो रहा है, और इधर सब अब खाली खाली हो चुका है। ये हमारी भाभी साहिबा ने जर्सी पहन ली है, अब वो ये कन्यादान कर रहे हैं, हमारा ले रहे हैं दूध से बना ले, सबको दिखाएंगे। तो सब बारी बारी से खड़े हैं। देखो ये जम्बाई ले रही हैं, पूनम दीदी आंगी जम्बाई ले रही हैं। पहले भैया भाभी थे, अब हम दोनों आ गए हैं। उसके बाद आएंगे हमारे प्यारे प्यारे जीजू और दी। तो ये जो दान माना जाता है कन्यादान, महादान माना जाता है, और ये जितने लोग ऐसे कर मतलब कन्यादान देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करते हैं तो। वरना कुछ लोग तो ऐसे सोए हुए थे, जगाया भी था लेकिन नहीं जगे थे। और ये हमारी पूनम दीदी हैं, मतलब ये दीदी की ननद है। तो हम ही लोग जगे हुए थे, मतलब जो मेन ही हैं पहले, जैसे मैंने बोला यहाँ पे दीदी और जीजू, पता नहीं इनके हाथ में क्या है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था ये क्या दे रहे हैं, साथ पैसे हो सकते हैं जो भी हो। और यहाँ पे पंडित जी इनके साथ बच्चन इनको बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, ताकि जिंदगी भर निभाते रहें। इन्होंने आपके साथ वचन स्वीकार किए। अगर किसी कारणवश ये घर पर नहीं है तो आप आ सकती हो, अपने इनके जो पिताजी हैं उन मतलब उनसे पूछ करके, इनकी माता जी से पूछ करके, ये किसी को साथ में लेकर आ सकती हो, और वो कार्य पूर्ण करके आपको तुरंत वापस जाना होगा। अब है सिस्टर के वचन की बारी, तो सिस्टर को उनके वचन भी पंडित जी बता रहे हैं, उसको निभाने हैं ये वचन। और बच्चन बताने के बाद, क्योंकि सिस्टर इधर की साइड बैठी थी, तो इस तरह से मतलब जो उनकी जगह होती है वो बदलवाई जाती है। सभी के यहाँ ऐसा होता है तो बताना, क्योंकि हमारे यहाँ तो होता है ऐसे, जगह बदली जाती हैं। अब देखो सिस्टर इधर आ गई है और सोनू इधर चले गए हैं।
हमारा शुभ कार्य समापन की तरफ ही है। अब ये सिंदूर का जो भी शुभ कार्य है वो पूरा हो जाएगा, फिर मंगलसूत्र का कार्य पूरा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, बोलते हुए वर्डिंग जो है वो इधर उधर हो जाती है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। मैं उसके लिए आप लोगों से पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ, क्योंकि हो ही जाता है। हर कोई मतलब सर्वगुण संपन्न तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ गलत भूल ही जाता है। बस आप सभी लोग विशेष देना कि इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो खुश रहे, दोनों जने खुश रहें, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, क्योंकि आशीर्वाद ही काम करता है भगवान का, और आप सब बड़ों का आशीर्वाद बना रहे। और फिर उसके बाद इन्हें हम ये यहाँ पे हमारी भाभी करती है दूधावाती बोलते हैं, तो अपना मनी लेने के लिए भाभी तैयार है, दूधावाती कर रही हैं, तो बहुत मनी कमा ली है भाभी ने शादी में। अभी बाद में पता चल रहा है कि भाभी के पास कितनी मनी हो गई है, सब लोग जोड़ रहे हैं, तो अपनी अपनी मनी किसका कितना मतलब इसमें कमाई हुई है, तो सब लोग अपनी अपनी कमाई बता रहे थे, लेकिन भाभी की कमाई बताऊंगी नहीं इन्हें कितनी कमाई हुई है इस शादी से। बस इतना पता है सबसे ज़्यादा कमाई इस भाभी को हुई है हमारी शादी से। इससे तो हमारे यहाँ इस तरह से दूधावाती जो है ऐसे करते हैं, मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, देखिए जूम है मेरे पास। Every day with you is magic. तो ठीक है। Every kiss is better than the last. It's a home I've never known. A place I know will last. For of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine for a lifetime. It's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. और यहाँ पे उनकी सिस्टर, दूल्हे की सिस्टर है, वो पूरी जितनी भी चीज़ें आई हैं वो निकाल के दिखा रही हैं, भाभी लोगों को दे रही हैं हाथ में कि क्या क्या मतलब हम लोग लाए हैं। जो भी चीज़ें होती है दुल्हन की, हार जो भी है सारे गुच्छा हाथ फूल मतलब जो भी होती है सारी सब चीज़ें लाए थे ये लोग, कंगन वगैरह, तो वही बता रहे थे। तो यहाँ पे उस सब के बाद दूधावाती जो हो गई थी, फिर बस लास्ट में ये आया कि दूल्हे राजा जी का सब लोग तिलक करेंगे। और सब लोग देखिए लाइन से लगे हुए हैं, सबसे पहले मैं कि मैं करूँगी, तो मैं सबसे पहले आगे लगी थी। तो देखिए दूल्हे राजा की पोटली होती है ना, पोटली भरेंगे सब लोग, देखो लाइन से खड़े हुए हैं पोटली भरने के लिए। अभी देखना ये पोटली या दूल्हे राजा की बहुत मोटी हो जाएगी। सबके गिफ्ट दूल्हे राजा के लिए हैं स्पेशली, तो इनके चेहरे पर मुस्कान भी ऐसी हो रही है कि हाँ जी चलो अब मेरी पोटली भरने वाली है। वैसे शादी में अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं। हम सब ने कपड़े चेंज कर लिए थे, लेकिन भाभी बोली थी मैं तो पूरी शादी कंप्लीट करके चेंज करूँगी हम घर पे जाके, क्योंकि शादी हमारी मंडप में थी घर पे नहीं थी। भाभी ने दूल्हे राजा को इतना सारा मीठा खिला दिया है, उनका मुंह तक भी नहीं चल रहा है। भाभी बहुत ऐसी अच्छी चीज़ें करती हैं परेशान करने के, तो ताकि मैं मीठा खिलाना भूल गई थी, मगर अब मैं भी खिला दूँ, तो वो कह रहा अभी मेरे मुँह में है।
और ये जो है ये है हमारी दीदी की सासू माँ जी, तो मैंने सोचा